तो हमने जो प्लान किया कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम मार्च तक बन के तैयार हो रहा है, और हमारे जो बच्चे हैं वो 3-4 घंटे की अपनी क्लासेस लेंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग की। आइडिया ये रहेगा कि टीचर दिल्ली में बैठ के डेडिकेटेडली केवल किश्तवाड़ के बच्चों के लिए ही वो क्लास लेगा। ऐसा नहीं कि कोई YouTube लाइव चल रहा है या कोई मोबाइल ऐप खोल दी और वीडियो पे प्ले का बटन दबा दिया। और उसका रीजन ये है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जिसमें कि बच्चा टीचर से बात भी कर सके, टीचर बच्चों को एड्रेस कर सके, क्लासेस हो और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट हो वीकली मंथली। और उससे क्या फायदा होगा, एक तो हमको वो बेस्ट टीचर जो शायद जम्मू भी ना आए, दिल्ली में ही बैठा रहे, उस टीचर को हमारे बच्चों को एक्सेस मिल जाएगा कोचिंग के लिए, क्योंकि कोचिंग थोड़ा सा स्पेशलाइज होता है, उसमें 5 लाख 10 लाख बच्चों से कंपटीशन होता है अक्रॉस इंडिया, तो वो एक एडवांटेज रहेगा अगर हमको उस तरह का क्वालिटी टीचर मिले। दूसरा, जो ये मॉक टेस्ट होंगे इसमें जो रैंकिंग रहेंगी, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग अपने बच्चों की पता लग पाएंगी, तो अगर आप ऑल इंडिया रैंकिंग में अपने बच्चे को कंपेयर करोगे तो हमेशा श्योरिटी के साथ बता पाओगे किस बच्चे का मेडिकल निकलने वाला है या इंजीनियरिंग निकलने वाला है और किसका नहीं निकलेगा। और तीसरा, ये जो क्लासरूम एनवायरनमेंट बन जाएगा, तो अभी जो हमारे बच्चे जम्मू जाते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके, एक बहुत बड़ा किश्तवाड़ का जो जनरेशन जो बाहर माइग्रेट कर जाता है वो अपनी हायर एजुकेशन की तैयारी अगर यहाँ करेगा तो ज्यादा चांस होगा कि वो इधर वापस भी आए। तो उस मकसद से आज का जो मीटिंग है वो हम लोगों ने आपको इसीलिए बुलाया है, क्योंकि अभी तक जो हमको रिस्पांस मिला है अराउंड 100 बच्चों का मिला है, उस 100 से 200 स्टूडेंट्स इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड, ताकि हम एक साइजेबल बैच को आइडेंटिफाई कर सके जो यहाँ पे रुकने को तैयार है, अपना अगला 1 साल देने को तैयार है इस कोचिंग में। ऑफ कोर्स फोकस उन बच्चों पे होगा जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एनीवन विद एनी बिट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी और समवन हु वांट्स टू स्टे विद पेरेंट्स शुड गेट द ऑप्शन ऑफ स्टेइंग इन किश्तवाड़ एंड परस्यूइंग देयर कोचिंग प्रिपरेशन इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो मेरा आज का जो मेन मकसद है, आप लोगों से आपके व्यूज जानना है और आपके थ्रू प्रोपगेट करना है सो दैट वी गेट सम मोर एप्लीकेशंस।